कहते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी की महत्ता के बारे में और न जाने क्या क्या कहा गया है, मगर गोहाना उपमंडल के गांव रभड़ा में ये सारे मुहावरे व लोकप्तियां बेमानी नजर आ रहे हैं। करीब 9000 की आबादी वाले गांव रभड़ा में पेयजल की समस्या के कारण त्राही त्राही मची है। पेयजल संकट के चलते यहां के लोग या तो निजी कंपनियों की कैंपर सप्लाई पर निर्भर हैं, या 3 किलोमीटर दूर JLN के निकट लगे एक नलके से पानी लाने पर विवश हैं। जो वहां तक नहीं जा सकते तो वे गांव के ही एक नलके का पानी पीने को मजबूर हैं, जिसका TDS 1000 के पास है। अगर हम बात करें राज्य सरकार के दावों की, तो यहां हर घर नल से जल जैसे सभी दावे पानी भरते नजर आते हैं। ऐसा ही नहीं है कि इस गांव का जल घर न हो, वह है गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर खरखोदा मार्ग पर गांव का जलघर स्थापित है। वर्षों पुराने इस जलघर में 3 तालाब हैं, जिनमें कूड़ा करकट पसरा रहता है। गांव वालों के अनुसार करीब 5 वर्ष से यहां नहरी पानी नहीं देखा गया। पानी महकमे यानी जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा रबड़ा के जलघर में हाल ही में लगाए गए सूचना पट पर लिखा गया है कि इस गांव के 1606 उपभोक्ताओं को प्रति लाखों लीटर नहरी पानी की सप्लाई दी जा रही है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि गांव में पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से नहरी पानी की एक भी बूंद की सप्लाई नहीं हुई है। गांव के कुछ एक भाग में विभाग द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन के जरिए सप्ताह में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। ग्रामीणों के अनुसार सप्लाई का यह पानी इतना खारा होता है कि इसका इस्तेमाल पशुओं के पीने लायक भी नहीं होता। हमारे गांव में पानी के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। पानी आता है, सप्लाई वाटर सप्लाई की आती है, लेकिन उसमें खारा पानी है बिल्कुल। और जो पानी छोड़ने के लिए जो वाल लगाई हुई है, उसमें गंदगी भरी हुई है काफ़ी, जो पानी बिल्कुल दूषित है, जिससे ग्रामवासी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। और कोई इस पर कोई भी अधिकारी आगे और कोई देख नहीं करता है। पानी तो है ही नहीं जी, बिल्कुल खारा पानी आता है। जलघर तो बना हुआ है यहाँ, जलघर बना हुआ है जी, पाइपलाइन दबी है, लेकिन वो 4-5 महीने हो गए उसको भी, लेकिन अभी कोई मीठे पानी की नहर से कोई भी पानी की सप्लाई नहीं है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है जी, गाँव में सबको सबके घर में मीठा पानी आए जी। क्या नहरी पानी चाहते हो आप? नहरी पानी चाहते हैं जी। तो इससे कोई दिक्कत आ रही है जो खारा पानी सप्लाई होता है? खारे पानी से दिक्कत है जी, पीने का है नहीं, पशु भी पानी नहीं पीते, इतना खारा पानी है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है जी, और ना कोई कार्रवाई हो रही है और ना कुछ देख भी नहीं हो रही है। जो खारा पानी है, अगर ट्यूबल का जो पानी आ रहा है गाँव से, वैसे तो हम यही ना लगा लेंगे। क्यों सरकार से ये कहना अगले भाई पाइपलाइन दबवाने ये करवाना, और दिखा रहे हैं कि पाइपलाइन दबगी और पानी आएगा, पानी मीठा है नहीं रहा, पानी पशु तक नहीं पी रहे, तो इंसान तो कहाँ से पियेंगे उस पानी को? खारा पानी से मतलब कोई परेशानी हो रही है? परेशानी बीमारी तो हो रही है सर, बीमारी हो रही है सर, नहाने योग्य ही नहीं पानी, तो पीने योग्य तो कहाँ से आऊगा। महिलाओं ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि नहाने के लिए इस्तेमाल करने पर इस पानी से चर्म रोग हो जाते हैं। उनके अनुसार गांव के अनेक लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं। उनके अनुसार इस पानी का TDS 1500 से 2000 के बीच आंका गया है। पानी दो हो गए जी, पैरों से मजबूत हो गए लोग। अच्छा, पैरों से कती एकदम कंडम हो बैठी हैं जी। कैसे लेके आते हैं? कोई बाइक से, कोई साइकिल से, कोई बगिया में लावा अपनिया में। कैसे लेके आवे जी औरतें? दिमाग तो साइकिल भी टूटी पड़ी है, छोरा पानी जावे पानी लावे। नहर भी लगाई है, नहर बहुत दूर है जी। देखो अभी ये समस्या ये हल करो, आज मेरा मीठा पानी आना चाहिए। छोरे तो ले बाढ़ का पानी ढोवेंगे, पढ़ाई करेंगे, पानी ढोवेंगे। आया था बड़ौदा का? आया था? नहीं अभी नहीं, अभी तक नहीं आया। ये पानी की समस्या बताऊंगे जी। पानी आ रहा है मीठा, हमारे रबड़ा गांव में नहरा पर तो पानी आ रहा है, हमारे छोटे बच्चे ले आए इसका वोट उसने दे जो मीठा पानी हमारे गांव में आए। ग्रामीण रोहतास के अनुसार पानी की गंभीर समस्या के चलते बहुत से परिवार तो गांव से पलायन कर गए हैं, अब उनके घरों पर ताले टंगे हैं। बहुत सारे नेता सरपंच आए और गए, लेकिन गांव में दूषित पानी की वजह से त्वचा रोग के अलावा उदर रोग व अन्य गंभीर रोग हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से अनेक बार गुहार लगाई जा चुकी है,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं रोहतास गांव रगड़ा तहसील गोहाना जिला सोनीपत से बिलोंग करता हूं। गांव की आबादी लगभग 9 से 10 हज़ार है। पीने के पानी की समस्या की वजह से बहुत से लोग गांव को छोड़कर जा चुके हैं। सरकार आई, सरकारें गई, सरपंच आए गए, वादे किए लेकिन निभाए नहीं गए। पीने के पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर उनके गांव की पानी की समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। मैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान की टीम जो है पहुंची है गांव रबड़ा में। यहां एक जनहित का जो है मुद्दा उठाने के लिए आज ये टीम पहुंची है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रबड़ा गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या है, जिसको लेकर लगातार हमारे पास फोन आ रहे थे, तो हम गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ यहां ग्रामीण मौजूद हैं। यहां आप इनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या इनकी गाँव में है, पीने का पानी कहाँ से सप्लाई होता है, किस तरह का पानी आपके पास आता है, क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका? नाम संजय है जी। संजय, आप बताइए आपके क्या समस्या है? पानी समस्या जी, दूर से लेना पड़ेगा जी, 2 किलोमीटर दूर से जी। जो पानी सप्लाई हो रहा है वो कैसा पानी है? पानी खराब है जी, खारा है। खारा पानी? हाँ। इससे क्या दिक्कत आ रही है? उसमें जी खाज खुजली हो गया है। अच्छा। और बड़का में बड़ दौड़े हो गया है जी, बच्चों के बाल धोले हो जाते हैं, खाज खुजली हो जाती है, परेशानियां हैं। यहाँ महिलाएं भी हैं, मैं इनसे भी पूछता हूँ, ये क्या, एक एक करके बोलो आप क्या कहेंगे? बोले, बोले। पानी की समस्या है जी, पानी में हमारा खाज हो गया है, गुमोरिया यानी कि एलर्जी बन के सारे बाल का शरीर पे। अच्छा। और ये पानी है, आप पी कर देख रहे हो कि दूसरे काम में हम पानी लिया है। सरकार तो कह रही है आपके गाँव में काफी पानी सप्लाई किया जाता है और रेगुलर पानी आ रहा है? नहीं, रेगुलर यो खराब बेचारे बेचारे पीन का पानी था, हम दूसरे का मामा था लिया। हाँ, खारा पानी? हाँ बिल्कुल खारा, आप पी का देख लो, आप चेक करके देख लो, ऐसा पानी है कतिया जी। आपकी क्या दिक्कत है? यह दिक्कत खारा पानी आता है, यह दिक्कत। इससे क्या कोई बीमारियाँ वगैरह भी कुछ बीमारी हो रही है जी? पूरे शरीर में खाज हो, कहना था फड़ो जी, मोटे मोटे एलर्जी बना है, बल्कि बच्चों का एलर्जी हो रही थी, मेरा तो मेडिकल में था 12 दिन में, बल इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये लोगों का कहना है कि भी इससे खारे पानी से पीने से जो है बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और इनकी ये तकलीफ जो है इनके जुबान पे ये देख ही रहे हो आप क्या कहोगे, क्या डिमांड है आपकी सरकार से? मारते ये डिमांड है जी, पानी पीने का होना चाहिए, पानी पीने का होना चाहिए। पीने का तो आ ही रहा है, नहीं आपको आ रहा, कैसा पानी चाहिए? खारा पानी है, बिल्कुल खारा पानी चाहिए। अभी जो सरकार ने नहर से जो है पाइपलाइन दबाई है, क्या वो पानी चाहिए आपको? वो आंदा ही नहीं जी पानी, वो आता नहीं पानी, ये अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं ढंग से। आप बताइए क्या कहना चाहोगे इस पानी के बारे जी? पहली बात तो ये कि हमारे गाँव में पानी आता ही नहीं, मीठा जो पानी आता है, और जो हमारा जल घर है बिल्कुल उसकी साफ सफाई नहीं होती अच्छे से, उसमें मतलब ये है कि वो जीव जंतु होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे गांव में जो पानी आता है वो बिल्कुल खारा आता है, जिसकी 1500 से 2000 रेडियस है, ऐसा बेकार पानी आता है, मतलब ना पीने लायक होता है, और कई बार तो मतलब ये है कि 3-4 दिन तक हफ्ते तक आता ही नहीं पानी, आता है तो फिर वो यूज़ करने के लायक नहीं है। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा समस्या है इस गाँव की, पीने का पानी हम दूसरे गाँव से बाहर से लेके आते हैं पीने के लिए, यहाँ हमारे गाँव में पीने के लिए कोई साधन नहीं है, सरकार हमारे उस चीज़ को देख नहीं रही अपने उसके दायरे में। तो अब चुनाव आने वाला है, तो अब की बार जो है क्या विधायक जो चुना जाएगा उसके सामने ये बात रखोगे? रखेंगे। पहले जो चुना हुआ था उसके सामने नहीं रखी थी, फिर कुछ किया नहीं उसने, कुछ किया नहीं, नहीं। तो अब की बार क्या डिमांड है आपकी? मेरी तो यह डिमांड है हमारा पानी आ जाओ, बस सबसे बड़ी डिमांड और कोई नहीं, मेरी तो यही डिमांड है। उसको भी यही बताओगे? यहाँ पर जो है ये सभी महिलाओं की एक ही समस्या है कि इनके यहाँ खारा पानी आता है, मीठे पानी की इनकी डिमांड है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी भी लेके आ गए हैं, ये कह रहे हैं पानी टेस्ट करके देखो, मैं देखता हूँ, वाकई जो है नमकीन पानी है, और ये काफ़ी TDS भी बता रहे हैं कि 1500-2000 TDS का पानी जो है यहाँ पे है, और काफ़ी लोग इस भारी गर्मी में भी ये खड़े हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो सरकार को इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। आजकल जो है मुख्यमंत्री लगातार आमजन की बात सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, देखते हैं रबड़ा गाँव के इन लोगों की समस्या जो है वो किस प्रकार से लेते हैं और कितना जल्दी इस बात का समाधान करते हैं।
गांव रबड़िया की समस्या को लेकर जब जन स्वास्थ्य उपमंडल अभियंता महावीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रबड़ा गांव में पहले भी पानी बली माइनर से सप्लाई किया जाता था, लेकिन पुराना होने और किसानों के विरोध के कारण चल नहीं पा रहा था, इसलिए विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाकर डिपार्टमेंट को भेजा गया, जिसकी स्वीकृति के उपरांत JLN से सप्लाई के लिए पाइपलाइन दबाने का कार्य पूरा किया जा चुका है और बिजली का कनेक्शन भी मिल चुका है, लेकिन अभी JLN नहर के पास पानी की सप्लाई चालू करने के लिए एक सैंपल पानी की पंपिंग के लिए उसका निर्माण होना है। उन्होंने बताया कि उसका टेंडर लगाया जा चुका है जो प्रोसेस में है। SDO महावीर सिंह ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए गहरे ट्यूबवेल से सप्लाई दी जा रही है। उन्होंने माना कि रबड़ा में TDS की थोड़ी समस्या है, लेकिन अभी वैकल्पिक तौर पर 1000 TDS तक के पानी की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन जल्द रबड़ा गांव की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रयासरत हैं। सर, इसमें रबड़ा गांव में पहले इनलेट चैनल अपना बड़ी माइनर से आता था, वो काफ़ी पुराना हो चुका था, उसको कई बार मरम्मत की कोशिश करी गई, लेकिन बार बार वो लीकेज हो जाने की वजह से किसानों का विरोध था उसमें, तो वो तलने नहीं दे रहे थे, उसको दिक्कत थी उसमें। तो हमने अभी एस्टीमेट बनाया था एक, तो उसके अगेंस्ट हमने पाइपलाइन का कार्य तो कर दिया है, बिजली का कनेक्शन भी अभी एक हफ्ता पहले रिलीज हो चुका है, उसमें सैंपल बनाया जाना है, उसकी NOC भी रिसेंटली ही मिली है हमारे को नहरी विभाग से, सैंपल के किनारे नहर JLN के साथ में एक सैंपल बनाया जाना, वहाँ से बाइक पंपिंग पानी आना है हमारा रबड़ा के लिए, उसका टेंडर अभी रबड़ा। इसके अलावा रबड़ा गांव में अपना इसके रिनोवेशन के लिए अभी हमने 140.93 लाख का एस्टीमेट है, वो सैनिटरी बोर्ड से अभी तीसरे महीने में मार्च में पास हुआ था, वो सक्षम अधिकारियों से उसकी DNIT प्रोसेसिंग करके और अभी इसका टेंडर ओपन हो चुका है, जिसकी टेक्निकल खोली जा चुकी है, जो एवोल्यूशन होती है टेक्निकल, और इसके बाद में 8 दिन का टाइम होता है भाई, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं इस पर और हैं तो 1-8 के बाद इसको ओपन करा दिया जाएगा, और हम सबसे पहले इसके सैंपल का कार्य पूरा करते हैं तो ताकि पानी की आपूर्ति चालू हो जाएगी। इसके अलावा हमने वाटरवर्क्स के टैंकों के उसके नवीनीकरण के लिए, और इसके अलावा इसमें वाटरवर्क्स में अपना एक फिल्ट्रेशन प्लांट, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया जाना है 0.5 MLD का, जो शहर की तरह है, रूटीन में उसे मैकेनिकल वॉशिंग होगी उसकी, और गांव में हम स्वच्छ जल की आपूर्ति करवा देंगे। अभी जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो क्या मतलब ट्यूबवेल वाला पानी सप्लाई किया जा रहा है? अभी हमने वहाँ एक गहरा नलकूप का अभी रिसेंटली ही चालू करवाया गया है, गहरा नलकूप लगभग 1200 फुट गहराई का है, वैकल्पिक तौर पे हम उससे सप्लाई गांव में अभी दे रहे हैं। है TDS की समस्या वहाँ पे है थोड़ी सी, TDS ये हम भी कह रहे हैं कि ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जब तक अपना ये नहीं होता हम 1000 TDS तक का पानी यानी वैकल्पिक तौर पे हम दे सकते हैं जब तक दिक्कत हो हमारे को। तो अभी इसमें गहरा ट्यूबवेल इसी लिए लगवाया है हमने अभी, तो उसको चालू करवा दिया गया है। इसका समाधान हम जल्दी ही कर देंगे, लगभग 2 या 3 महीने के अंदर हम इसमें नहरी पानी की सप्लाई चालू कर देंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।